हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कोई ना कोई चमत्कार और कोई ना कोई विवादित बयान जरूर आ रहे हैं, जिसकी सच्चाई से आपको रूबरू करवाना हमारा कर्तव्य है। तो आइए दोस्तों, ऐसी ही एक खास चर्चा करते हैं कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर क्या बोले सलमान खान। 22 जनवरी, ये वही दिन है जब राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला। कहा जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए 3000 VIP लोगों को न्योता दिया गया, जिसमें मुकेश अंबानी से लेकर रामदेव बाबा जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। वही सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स की। माने तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड के तीनों खान, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को न्योता नहीं मिला। जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली हैं, वही खान को इसके लिए इनवाइट तक नहीं किया गया। अब तीनों खान को न्योता क्यों नहीं दिया गया, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में अयोध्या से जुड़ा एक दिलचस्प चमत्कार भी आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। अयोध्यावासी के साथ साथ देश भर के हिंदुओं को इंतजार है उस दिन का जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। एक तरफ तो देश भर में हिंदुओं को इस बात की खुशी है कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह बनाया गया जिस जगह के लिए इतना संघर्ष किया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह के लिए 7000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, मीडिया की गलियारों में इस तरह की खबरें काफी वायरल हो रही हैं कि साल 2019 में जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तब बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तापसी पन्नू से लेकर विवेक ओबरॉय तक ने अपनी खुशी जाहिर की थी, लेकिन सलमान, शाहरुख और आमिर खान में से किसी ने भी अयोध्या फैसले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वहीं अब जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो खान तिगड़ी को इसके लिए नहीं बुलाया गया। भले ही सलमान, शाहरुख और आमिर को न्योता न मिला हो, लेकिन श्री राम जन्मभूमि में राम उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया गया। खबरों की माने तो सदियों के महानायक इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को भी न्योता मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टा स्टोरी के जरिए दी। वहीं माधुरी दीक्षित को भी राम मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। वहीं संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी को भी बुलाया गया। इसके अलावा रोहित शेट्टी भी इस भव्य समारोह में दिखाई दे सकते हैं। बॉलीवुड के अलावा साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। दरअसल साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को भी इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। इसके अलावा साउथ एक्टर धनुष को भी आने के लिए न्योता मिला। वही फिल्म कांतारा के एक्टर आरशब शेट्टी को भी इस खास समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया। वहीं एक्टर मोहनलाल और चिरंजीवी को भी इस भव्य समारोह में शामिल होने का न्योता मिला। वहीं अब इस लिस्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी शामिल हो गया है। जी हां, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी इस शुभ घड़ी पर शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कपल को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल गया है। इसकी तस्वीर भी जारी की गई है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को अलग अलग इन्विटेशन मिले हैं। कपल की कार्ड लेते हुए एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों इन्विटेशन कार्ड लिए हुए स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस समारोह में मशहूर टीवी सीरियल रामायण के उन कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता की भूमिका निभाई थी। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली कलाकार दीपिका चिखलिया भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने समारोह में शामिल होने के लिए क्रिकेट जगत के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान विराट कोहली, बॉलीवुड सुपरस्टार के अलावा अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी समेत 3000 वीआईपी लोगों को विशेष तौर पर इन्विटेशन दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देश से एक एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं 1992 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित जा रहा है। इसके अलावा देश के न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको सहयोग बोले या फिर और कुछ, मतलब भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आ गया है। सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आए विलुप्त गिद्धों का झुंड, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए, यह निश्चित राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अन्य भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध जिनके पंख बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी चोंच बहुत ही खतरनाक होती है, इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है। दोस्तों, अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों के झुंड देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि भगवान राम की सेवा में असंख्य वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी, और आज के समय में बंदरों को इस वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, यह भी सोचने वाली बात है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए करोड़ों रामभक्त 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। हालांकि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर कुछ वीवीआईपी लोगों को ही निमंत्रण भेजा है, और जिनके पास निमंत्रण नहीं है उन्हें अयोध्या न आने के लिए विनती की गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय सिया राम।